तस्वीरें देख सकते हैं असम से। देर रात तक कार्यक्रम जारी है और राहुल गांधी की रैली के बाद तो कहीं ना कहीं चुनावी प्रचार में और पकड़ देखी जा सकती है। शमशेर सिंह गोगी जबाला गांव में पहुंचे हैं। हालांकि कार्यक्रम का समय 3 घंटे पहले था, लेकिन कार्यक्रम देरी से जो है शुरू हो रहे हैं। लाइव तस्वीरें समय जबाला गांव से देख सकते हैं। पूरा गांव यहां पर इकट्ठा है, बच्चे इकट्ठे हैं, बुजुर्ग इकट्ठे हैं, महिलाएं इकट्ठी हैं, पूरा गांव इस समय आप देख सकते हैं शमशेर गोगी के कार्यक्रम के लिए यहां पर इकट्ठा है। अब चुनावी प्रचार में महज 6 से 7 दिन शेष रह गए हैं और ऐसे में कार्यक्रम 3-3 घंटे और देरी से चल रहा है, क्योंकि एक गांव में कार्यक्रम होता है तो वहां पर 2-2, 3-3 कार्यक्रम पहले ही तय हो जाते हैं। आप देख सकते हैं समय शमशेर सिंह गोगी असम से पिछली बार भी विधायक चुने गए थे और इस बार भी कांग्रेस ने उनको MLA उम्मीदवार बनाया है। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, शमशेर सिंह गोगी इस समय जबाला गांव में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। फफड़ाना गांव में भी जोरदार स्वागत हुआ और जबाला गांव में भी आप देख सकते हैं इनके देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए जो युवा है, जो भीड़ है, 3 घंटे से इंतजार कर रही थी भीड़। और इस समय आप देख सकते हैं शमशेर सिंह गोगी आखिरकार पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें देख सकते हैं गोगी साहब, 3 घंटे से भीड़ आपका इंतजार कर रही है, क्या कह रहे हैं? ये भीड़ अपने गांव की है, इसलिए कोई डर नहीं। वो काफी लेट कर रहे हैं, एक तरफा ला रहा है अपनी, एक तरफा ला रहा है। और राहुल गांधी जी का जो कार्यक्रम रहा आसन में, उससे कहीं ना कहीं मजबूती मिली होगी और ज्यादा चुनाव प्रचार पकड़ा रही है सर? राहुल गांधी जी ने मेरे को नहीं, पूरे असम हल्के को मतलब कहां से कहां पहुंचा दिया। और यहां से संत से जो शुरुआत हुई है उससे पूरे हरियाणा को मजबूती मिलेगी। बिल्कुल, पूरे हरियाणा को मजबूती मिलेगी, इस तरह की बात जो है शमशेर सिंह गोगी कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए असंत पहुंचने पर रात के 8-8:30 बज चुके हैं और पूरी गांव के तमाम लोग आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहां पर एकत्रित हैं। रात हो चुकी है, उसके बावजूद भी शमशेर सिंह गोगी के कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटती हुई नजर आ रही है। फूल मालाएं डालकर शमशेर गोगी का इस समय स्वागत किया जा रहा है। राहुल गांधी की कल की जो जनसभा हुई उससे जो प्रचार है और ज्यादा बढ़ चुका है और आप देख सकते हैं इस समय शमशेर सिंह गोगी का स्वागत करते हुए गांव के लोग इस समय नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें जबाला गांव से देख सकते हैं। शमशेर सिंह गोगी, राहुल गांधी, आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में जोश है जिसको लेकर तमाम लोग इस समय आप देख सकते हैं रात तक यहां पर इकट्ठा थे और एक एक कर शमशेर सिंह गोगी सभी अपने पुराने कार्यकर्ताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें इस समय असंध के जबाला गांव से देख सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी जब कल आए थे तो अपने इस विधायक उम्मीदवार को बब्बर शेर कहकर गए थे और बब्बर शेर इस समय जबाला गांव में पहुंचा है। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, इस समय शमशेर सिंह गोगी पहुंच चुके हैं असंध के जबाला गांव में। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। गोगी साहब एक छोटा ही सी बात जानना चाहेंगे, कल की जो रैली रही उससे कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के होश जरूर उड़ गए होंगे? देखो मैं ये तो नहीं कहना चाहता, लेकिन एक बात पक्की है कि राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की कंपेन का आगाज असंध से करने के लिए हमारे ऊपर विश्वास किया, असंध की जनता पे विश्वास किया, तो मुझे लगता है ऐसा सेटिस्फेक्शन है कि हम उस पर पूरे उतरे हैं, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, हमारा विश्वास बढ़ा है। फिर लीडरशिप को हमने वही कर दिखाया जिसकी उसने उम्मीद की थी। बब्बर शेर कहकर गए आपको, वो तो उनका अपना प्यार है। और अब किस तरह से प्रचार देख रहे हैं, फफड़ाना में कैसा स्वागत हुआ ये देख लो। सुबह से 3 गांव किए हैं, अभी चौथे में आए, एक गांव और करना है। एक एक गांव में 4-5 घंटे लग जाते हैं। 2-2 घंटे से तो हम भी इंतजार कर रहे थे।
मैं कहता हूँ 3 बजे आए थे हम वहाँ, अब यहाँ 8 बज गए। 3 बजे ये तो आपको पता हो। अभी तो बिलोना आखिरी गांव है, जो 5 बजे समाप्ति होनी थी 10 बजे पहुंचेंगे लगता है वहाँ। 5 बजे का टाइम था, उनको 11 बजे 10-11 बजे कह दिया। तो आप देख सकते हैं शमशेर सिंह गोगी के जो कार्यक्रम है वो काफी देर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जहां जहां जा रहे हैं आप देख सकते हैं समर्थन मिलता हुआ नजर जरूर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी की रैली के बाद जो है चुनाव प्रचार ने और तेजी पकड़ ली है। लोग इस समय यहां पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं जबाला गांव के लोग यहां पर इस समय मौजूद हैं। कुछ लोगों से बातचीत जरूर करना चाहेंगे। आप इसी गांव से हैं, जबाला गांव से? जबाला गांव से है जी। क्या माहौल देख रहे हैं यहां? शमशेर सिंह गोगी का बहुत मौला, कांग्रेस जिंदाबाद है। एक तरफा माहौल है जी, एक तरफा माहौल है गोगी का। ऐसा क्यों है? समाज कार्यकर्ता जी, बहुत बढ़िया काम करा है, बदलाव भी है। किसी की भी मतलब ये कौन देखता भाई, ये छोटा ये बड़ा, सब एक समान समझता है। आम जनता बदलाव चाहो भाई, सरकार को बदलो और गोगी राम को बनावांगे। बढ़िया कहना चाहेंगे, अपने पुराने विधायक से खुश हैं आप? खुश हाँ जी, मेहनत है कर्मठ हैं जी, बिल्कुल बहुत अच्छा काम करेंगे जी। क्या कहना चाहेंगे? सारे कुछ आज मुझे। तो जबाला गांव के लोग हैं आप, बताएं आप तो युवा हैं, क्या लगता है शमशेर सिंह गोगी दोबारा से एमएलए बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे सर, 30,000 वोटों वाला एमएलए बनता था, इस बार 60,000 वोट लेकर 30,000 वोटों से जीतेंगे शमशेर सिंह गोगी जी, असंध के शेर शमशेर सिंह। एक तरफा इलेक्शन है भाई, असंध के अंदर एक तरफा इलेक्शन है, कोई वो नहीं, कम से कम 60,000 वोट स्टेन, तो कम से कम भी 25,000 या 30,000 से शमशेर सिंह गोगी यहाँ का विधायक बना। क्या लग रहा है जी आपको, क्या माहौल है? आप तो साथ साथ घूम भी रहे हैं प्रचार। देखो छत्तीस बिरादरी में विधायक जी का बहुत मान सम्मान है, पिछले 5 साल का जो इनका विधायक का कार्यकाल रहा, जिस मजबूती से इन्होंने असंध हल्के की आवाज विधानसभा में उठाई, उसका सभी अपना हल्का वासी को बहुत मान है कि इनमें काम करने की क्षमता है, और सबसे बड़ी बात है कि ईमानदार है। कोई आज तक किसी प्रकार की अपने राजनीतिक जीवन में कोई 10 पैसे भी कहीं आराम के इनके पास नहीं आए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं भारी भीड़ इस समय जबाला गांव में जुट गई है। आप देख सकते हैं रात का समय है, हालांकि कार्यक्रम जो है आप देख सकते हैं 3 घंटे पहले था, लेकिन आप देख सकते हैं जो एमएलए उम्मीदवार हैं वो 3 घंटे देरी से पहुंचे हैं, क्योंकि जिस जिस गांव में जा रहे हैं वहां पर काफी समय लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारी भीड़ जुटती हुई नजर आ रही है। तो ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं असंध के जबाला गांव की। क्या माहौल देख रहे हैं जी जबाला गांव का? भाई साहब हम गोगी जी को इस गांव से बहुत बड़ी लीड से जिताएंगे, और पूरी 36 बरादरी के जो लोग हैं हमारे साथ हैं, और आप रात का प्रोग्राम देख रहे हो कितनी बढ़िया प्रोग्राम हो रहा है। अभी 3 जगह और जाना है, 3 घंटे देरी से आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सारी रात भी बैठने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। जोश देखा जा सकता है अपने नेता के प्रति, जोश देखा जा सकता है। राहुल गांधी की रैली के बाद क्या लग रहा है कि माहौल बदला है असंध का? हाँ जी, बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। गोगी जी बहुत 25,000 वोटों से जीत रहे हैं, और बहुत बढ़िया माहौल है जबाड़ा में, आधी वोट इनकी है बाकी सभी कैंडिडेट की है। बिल्कुल इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं असंध के जबाला गांव में, जहां पर 3 घंटे देरी से पहुंचे असंध से कांग्रेस के एमएलए उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी का जबरदस्त स्वागत किया गया, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख रहे थे। हमारी अपील, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप जरूर पहुंचाइएगा। कमल मिड्डा, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।